नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी सीईटी से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तो ग्रुप डी सीईटी की सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, कट ऑफ कहाँ तक रहेगी और खेल कोटे के लिए स्पेशल जानकारी रहेगी। ईएसएम ईएसपी का जो मुद्दा है, क्या कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, क्या मामला रहेगा, कम्प्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। और कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करो, आरके न्यूज़ अपडेट के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो करके वहाँ पर मैसेज छोड़ देना अगर कुछ भी पूछना है। तो एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है या तीन क्वेश्चन है तो इकट्ठा लिखो और सेंड कर दो, टाइम लगते ही मैं अपने आप आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो भी पूछना हो आपको तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो डायरेक्टली। सबसे पहले बात आती है सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी। सेकंड लिस्ट आपको पता है 10,997 कैंडिडेटों की जारी हुई थी पहले, 2660 कैंडिडेट और बचे हुए हैं 13,657 पदों में से, ठीक है। 2660 पदों पर लगनी है। 2660 पद किस किसके रहेंगे, जर्नल के, EWS के, SC, BCA, BCB, ठीक है, PWD कोटा, एक्स सर्विस मैन कोटा और ESP कोटा, सभी के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है उसकी वीडियो मैं अलग से डाल चुका हूँ, डिटेल से बात नहीं करूँगा कट ऑफ के बारे में, वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको देखनी है तो चैनल पर ही वो वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सेकेंड लिस्ट जजमेंट के बाद ही निकाली जाएगी, 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस पर जो है सेकंड लिस्ट निर्भर करेगी, ठीक है। अगर 5 नंबर मिलते हैं तो सीधा 100 में से रिजल्ट निकाल दिया जाएगा जो कट ऑफ को कवर करते हैं, और अगर 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो सीधा 95 में से रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। सीटें 2660 और बची हैं। एक बात और बता देता हूँ, वेटिंग साथ में जो अब क्लियर रिजल्ट हो जाएगा तब वेटिंग लिस्ट साथ में जारी होगी, ठीक है। तो ये है सेकेंड लिस्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में जानकारी आपके लिए। खेल कोटे के लिए सबसे बड़ा बवाल उठा हुआ है ESM और ESP वाला, ठीक है। ESM को फ़ायदा होना है और कैंडिडेट भी सेलेक्ट होंगे ESM के, क्यों, क्योंकि ESP वालों ने जगह के रखी है उनकी। तो ESP के लगभग ये कह सकते हो 250 से 270 कैंडिडेट जो है एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। अब बात आती है कि अगर 250 से 270 कैंडिडेट जब गए हुए हैं तो जब वो ESP कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, जर्नल वाले जर्नल में आ जाएंगे, EWS वाले EWS में आ जाएंगे, BCA वाले BCA में, SC वाले SC में और BCB वाले BCB में, तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये मामला मुख्य है कि कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दे देता हूँ, लाइव सेशन में भी आपको बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो अब समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो बात ये समझनी है कि आप 250 270 कैंडिडेट मान रहे हैं या फिर इतने ही कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्लियर मैं आपको बता ही देता हूँ, लगभग इतने ही कैंडिडेट हैं 270 ही, ठीक है। 270 कैंडिडेट जो ESM में गए हुए हैं उनमें वो कैंडिडेट भी हैं जिसके जर्नल में 38 हैं, 39 हैं, 40 हैं, 41 हैं, 42 हैं, 43 हैं और 44 हैं। कट ऑफ जर्नल की कितनी है, 44.49 पे है। तो जो ये कैंडिडेट हैं 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है, चाहे ये कितने भी कैंडिडेट हों, ये सभी कैंडिडेट क्या हैं, लिस्ट कट ऑफ से बाहर हैं, ठीक है। कट ऑफ 44.49 पे है तो ये कट ऑफ से तो बाहर हैं पहले ही। तो कट ऑफ से बाहर के कारण ये कैंडिडेट तो मेरिट में आ ही नहीं रहे हैं। तो 270 के 270 कैंडिडेट जब ESP में आएंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और आप जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर चुके हैं समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो कट ऑफ से नीचे हैं उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर कट ऑफ के बराबर नंबर हैं आपके तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आप सभी को एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ESP एक्स सर्विसमैन वाला मुद्दा HSSC के द्वारा सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है, सॉर्ट आउट कर दिया गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो 270 कैंडिडेट ESP के आएंगे तो यहाँ से जो 270 हैं, ठीक है, बहुत से कैंडिडेट तो यही हैं कि 38, 39, 40, 41, 42, 43 वाले हैं, साथ में इसी तरीके से EWS कैटेगरी के भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट जो 38 से लेके कहाँ तक हैं, 51 तक हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट इस कैटेगरी के भी ESP वाले किस में चले गए हैं, एक्स सर्विसमैन में चले गए हैं। BCA के भी कुछ कैंडिडेट हैं, BCB के भी हैं और SC कैटेगरी के भी हैं जो बिल्कुल 38 पे हैं,
ठीक है, जो कट ऑफ से नीचे हैं या कुछ कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले हैं वो भी इसके अंदर एक्सर रिस्क बैंड के अंदर गए हुए हैं। तो जो ज़्यादा नंबर वाले आएंगे, ठीक है, अब बात आती है, देखो 270 में से आप 50-50 के भी करोगे तो 135 के लगभग कैंडिडेट जो है आपके ईएसपी कोटे में आएंगे। ठीक है, अगर 50% ये देखोगे, 50% भी करके चलोगे कि हाँ 50% के मान के चले कि ज़्यादा नंबर हैं आपके कट ऑफ से, तो जब 135 आएंगे तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो 2660 वाली लिस्ट आएगी, उन्हीं लिस्ट की जो खाली सीटें हैं उनके ऊपर उनको एडजस्ट करके आपकी कट ऑफ जहाँ तक लगी हुई है वहीं तक कट ऑफ रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 2660 जो कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी ईएसपी में, जितनी आपकी सीटें हैं लगभग 120 के तकरीबन, 120 से 140 सीटें जो आपकी बची हुई हैं, उन सीटों पर ही उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा जो एक्स सर्विस मैन में चले गए हैं। आपकी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी 2660 लगने के बाद भी। ठीक है, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो वेटिंग लिस्ट का ही इंतज़ार करें, वेटिंग लिस्ट में ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। जर्नल में 44 से नीचे वालों का, ईडब्ल्यूएस में 51 से नीचे वालों का, और बीसीए, बीसीबी और एससी कैटेगरी में जिसकी 39 पे है और बाकी की 38 पे लगी हुई है, उनमें जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनका वेटिंग में हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, जो ग्रुप सी की ही भर्ती आई हुई है, ठीक है, उसमें भी 447 सीटें आपकी हैं, जिसने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है उनकी 447 सीटें हैं, तो बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे भी लगेंगे। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, जो एएलएम वाली लिस्ट लगी थी, एसए वाली लिस्ट लगी थी, स्टाफ नर्स वाली लिस्ट लगी थी, वीएलडीए की लगी थी, फायर ऑपरेटर की लगी है, तो इनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लग चुके हैं स्पोर्ट्स कोटे के। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट मेरे पास पर्सनली मैसेज करते हैं, मेरे गाँव से 3 लगे हैं सर खेल कोटे के, मेरे गाँव से 4 लगे हैं, तो बहुत से कैंडिडेट लग चुके हैं, सीटें बहुत ज़्यादा खाली रहेंगी। फाइनली आपको यही बताऊंगा कि अभी जो 2660 की लिस्ट लगेगी उसमें तो आपका जो कट ऑफ है, जो अभी कट ऑफ है वही रहेगी, उससे नीचे नहीं आएगी। बात को ध्यान से समझ लें, जो अभी कट ऑफ है वो वही रहेगी, उससे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि एक्स सर्विस मैन में गए हुए कैंडिडेटों को भी एडजस्ट करना है। जो कैंडिडेट कट ऑफ के बराबर नंबर है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो कट ऑफ से कम है वो बार कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ आपको, लगभग 300 के तकरीबन ऐसे कैंडिडेट हैं आपके ईएसपी कोटे में जो ग्रेडेशन वाले नहीं हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट हैं या उनकी ग्रेडेशन जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, तो उनकी सीटें भी खाली होंगी। फाइनल जो डिसीजन रहेगा मैं आपको बता दूं, खेल कोटे में चाहे जनरल कैटेगरी की बात हो, चाहे एससी कैटेगरी की बात हो, बीसीए की हो, बीसीबी की हो, इन कैटेगरियों की सीटें भी खाली जाएंगी आखिर में, जिस टाइम वेटिंग क्लियर होंगी ना उस टाइम ये सीटें भी खाली जाएंगी। ठीक है, इतनी डीपली जानकारी आपको खेल कोटे की मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।